प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ते अमरीका सरकार हरेक खेत्र विच मोढ़े नाल मोढ़ा मिला के चल रही है, भावें ते पुरातन सभ्याचार तो लैके आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का खेत्र होवे। अमरीकी संसद के सांझे इजलास नूं संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 सालों च बहुत कुछ बदलिया है अते दोहां देशां विचाले भरोसे की दोस्ती भी वधी है। इस दे नाल ही जिथे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस विच कई प्रगतियां हुई ने उथे इस समय च अमरीका ते भारत विचाले एक होर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस देखन नूं मिली है। प्रधानमंत्री ने सांझे इजलास नूं जय हिंद कह के शुरू कीता। उन्हां अपने संबोधन दौरान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दी भी शलाघा कीती। फ्यू इयर्स देयर हैव बीन मैनी एडवांसेस इन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एट द सेम टाइम there have been even more momentous development in another AI, America and India. प्रधानमंत्री का जून 2016 तो बाद अमरीकी संसद के सांझे इजलास नूं दूजा संबोधन सी। उन्हां कहा कि अमरीकी संसद नूं संबोधन करना हमेशा ही सम्मान की गल हुंदी है अते ए 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, ए उन्हां लई विलखण सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अते अमरीका दोवें ही वड्डे लोकतंत्रिक देश ने अते असीं मिल के दुनिया नूं इक नवां भविख दे सकदे हां। प्रधानमंत्री ने कहा कि असीं सुतंत्रता दे 75 वरे मनाए ने। उन्हां कहा कि भारत विच 2500 सियासी पार्टियां ने ते वक्-वक् सूबे च तकरीबन 20 अलग अलग पार्टियां हकूमत कर दियां ने। साडे देश विच 22 अधिकारित भाषावां ते हजारां बोलियां ने, एहो ही नहीं बल्कि हर 100 मील ते भोजन भी बदल जांदा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की आबादी का 6वां हिस्सा भारत विच रहिंदा है ते भारत का विकास दूजे देशां नूं प्रेरणा दिंदा है। When India won its freedom, it inspired many other countries to free themselves from colonial rule. Century, when India sets benchmark in growth, it will inspire many other countries to do the same. Vision is sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अज दुनिया की 5वीं सब तो वड्डी अर्थव्यवस्था है ते जल्दी ही 3जे नंबर की अर्थव्यवस्था बनन जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत विकास करता है तो दुनिया विकास करती है। साडा इको दृष्टिकोण सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असी बुनियादी ढांचे के विकास से अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। असी 15 करोड़ तो वध लोगों लई रिहायश उपलब्ध कराने लई 14 करोड़ कर दिते ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अतवाद मनुक्ता का दुश्मन है ते इस नाल निजिठण विच किसे तरह की कोई किंतु परंतु नहीं हो सकती। सानू अतवाद नूं स्पॉन्सर करन वालियां ताकतां ते काबू पाउणा होवेगा। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन संकट ते चिंता जतौंदियां कहा कि इस संकट की वजह नाल पूरा यूरप जंग दे साहे हेठ है। उन्हां कहा कि युद्ध कारण विकासशील देश प्रभावित होए ने। वी हैव ओवर 2500 पोलिटिकल पार्टीज। Yes, you heard that right. 2500. About 20 different parties govern various states of India. 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice.